हेलो गाइस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रेंड जिसका सबको वेस्ट था भाइयों, कि वीवो वी 11 प्रो का पाई अपडेट आउट हो चुका है। अभी तक इस टाइम पूरा सक्सेसफुली मैंने मीन्स में इंस्टॉल कर लिया, अब ये बूटिंग हो रहा है और हल्का सा आप देख सकते हो वीवो का भी थोड़ा यहाँ पे लोगो हल्का सा चेंज हुआ है। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन टेक। तो फ्रेंड्स, आज कोई वीडियो मीवन के लिए भी नहीं, पोको फोन के लिए, स्पेशली जो वीवो वी 11 प्रो के यूज़र्स हैं उनके लिए पाई अपडेट आउट हो चुका है। इवन गाइस, आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द अपडेट एंड फाइनली द अपडेट इज़ आउट। और अगर अभी तक आपके पास नहीं मिला है तो अब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट अवेलेबल हो गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीवो वी 11 प्रो का जो पेज है वहाँ पर न्यू अपडेट अवेलेबल हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट 80-90% अपडेट रोल आउट गाइस हो चुका है। फर्स्ट रोल आउट अपडेट हुआ था 23 अप्रैल को हुआ था और अब आज 6 है, तो ठीक ठाक है गाइस कि अभी तक आपको अब जो अपडेट है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे सबको। सो बस बूटिंग में भी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि पाई अपडेट है तो, और 3.11 GB की फाइल है तो थोड़ा तो टाइम गाइस लेगा। इस टाइम देखते तो हाथ में कोई और फ़ोन नहीं है, वीवो वी 11 प्रो है गाइस। सो स्पेशली वीडियो बनाई है मैंने, नहीं तो मैं ओनली मी वन या पोको फोन के वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन आज स्पेशल था थोड़ा वीवो वी 11 प्रो के यूज़र्स के लिए क्योंकि वो भी बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। पहले कंपनी ने कहा था कि क्वार्टर फर्स्ट तक आपको अपडेट मिल जाएगा, मींस मार्च तक आपको अपडेट मिल जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपको, रूमर्स तो ये भी कोई कह रहे थे कि क्वार्टर सेकंड तक मिलेगा, मींस जून या जुलाई तक आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर अपडेट मिला पहला सबको, एक बंदे को अपडेट मिला, फिर उसने धीरे 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 सबको बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई अपडेट मिला, ट्वीट भी करा, तो धीरे धीरे फिर ये थोड़ी अपडेट निकल गई। फिर कंपनी की तरफ से भी उन्होंने कहा कि हम धीरे धीरे बैचेस में अपडेट रिलीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो गाइस, अपडेट यहाँ पे ये देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिला है। एक मिनट, फ्रेंड देख सकते हो ये अब आपका पूरा चेंज हो चुका है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, पहले से मुझे बहुत अच्छा अपडेट निकला है। ये थोड़ा यहाँ पे आपका कलर ओएस की थोड़ी कॉपी है, अपनी तो गाइस फन टच ओएस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस बहुत, अभी बग्स भी देखे जाएंगे। देख सकते हो कितना बढ़िया आपको शॉर्टकट सेंटर है, मज़ा आ गया, चीज़ सही रखी है, बहुत अच्छा उसको कस्टमाइज़ करा, फर्मवेयर को सॉरी कस्टमाइज़ करा गया पूरा बढ़िया। और ये देख सकते हो आपका सेटिंग में पूरा चेंज हो गया, हल्की सी आपकी कलर उसकी कॉपी है और रैम में हर चीज़ यहाँ पे आपको दे रखी है। अभी तो देखेंगे, अभी इसमें बग्स भी थोड़े थोड़े निकलेंगे क्योंकि अभी नया नया अपडेट है। तो यहाँ पे गाइस अभी ये देखो कितना पूरा चेंज कर दिया, फ्रंट टच ओएस करंट वर्जन ये आपकी। और गाइस इधर हम चले जाते हैं सिस्टम में, एक मिनट, तो फ्रेंड्स अबाउट फोन में जाने के बाद ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे फन टच आपका ओएस इधर आ गया और नीचे आपको एंड्रॉयड वर्जन 9 एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट, जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो 4 का है, मतलब अप्रैल का है, ठीक है, हमें तो पाए से मतलब था गाइस। और फन टच ओएस 9 पाए अपडेट आपको गाइस अराइव हो चुका है, रिव्यूज़ का गाइस आपको परसों मिल जाएगा। कोशिश करूँ अगर आपको मैं रिव्यूज़ का देने के लिए, बस दो तीन वीडियो सिर्फ इस पर बनेंगे गाइस, ये ज़्यादा बस पाई अपडेट वो सबको आपको पता चल गया होगा। हाँ, जिसको अभी तक अपडेट नहीं मिला गाइस वेट कर जाओ, तो आप इसको फ्लैश भी कर सकते हो, सारा जो भी लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उधर से पलवाड़े कैसे आपको कोई भी फॉर्म में फ्लैश करना है ऑन वीवो वी 11 प्रो विद पीसी टूल के साथ, तो गाइस आपको मैं पूरा ऑफिशियल है, कोई आपको दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और मुँह गाइस बहुत खुश हो कि इतना आपको मतलब ठीक उन्होंने करा है, सबसे अच्छा ये शॉर्टकट सेंटर लगा है गाइस, ये थोड़ा आपका म्यू 10 का कॉपी हो गया ऊपर नीचे, ये आपका मतलब ये देखो बहुत अच्छे पहले से गाइस बहुत सही कर रखा है। और इधर से भी आप देख सकते हो, ठीक है गाइस थोड़ा मज़ा आ गया मतलब ठीक है। और एक बार डायलिंग अभी इधर देख लेते हैं, बहुत सही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा करा है इन्होंने, पूरी कोशिश करी है कि सब कुछ करे। और ये देख सकते हो पूरी डायलिंग भी इधर बदल दी है इन्होंने, चेंज कर दिया पूरी, और यूट्यूब का भी ठीक है सब कुछ। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और बस इतनी वीडियो क्योंकि और मैं क्या करूँ, अगर वीडियो का लेंथ बढ़ाने का कोई गाइस फ़ायदा नहीं है, आपको पता है हाँ अपडेट आ गया है। बस इधर इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी ये करी कि ये जो आइकन थे इनको भी थोड़ा अगर चेंज कर देते, होम स्क्रीन के जो आइकन थे इनको भी थोड़ा चेंज कर देते थोड़ा कुछ और ही मज़ा लुक आ जाता गाइस, तो ये तो पहले से थोड़ा चेंज हो रखा था आइकन को गाइस, थोड़ा जो होम स्क्रीन के आइकन जैसे क्लॉक का हो गया, आपका सेटिंग का हो गया, वही पुराने के पुराने, हल्का से इन्होंने थोड़ा और कस्टमाइज़ करते फॉर्मवेयर को, तो थोड़ा गाइस मज़ा आ जाता है। लेकिन जो भी है सही है, जो कंपनी ने कहा था कि लेने का फ़ायदा हुआ फ़ोन का कि पाई अपडेट तक हम पूरी कोशिश करेंगे उसको पुश करेंगे पाई अपडेट तक, वो उन्होंने अपना वादा निभाया, तो कोई
दुख भी नहीं है गाइस कि फ़ोन लिया और आपको सिर्फ ओरियो तक हो आप, लेकिन पाए तक हो लेटेस्ट अभी तक, क्योंकि क्यू का तो अभी कुछ पता नहीं है, लेटेस्ट अभी तक पाए हैं। तो बस इस चीज़ का गाइस आपको बेनिफिट हमें यहाँ पे मिल गया वीवो वी इलेवन प्रो के जो यूज़र्स थे। वीवो वी इलेवन अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन प्रो को अपडेट मिल चुका है। और अगर मेरे से कोई कमेंट सेक्शन में पूछे तो भाई या तो वेट करो, उनका भी कोई पता नहीं, प्रो को अभी तक अपडेट मिल चुका है गाइस। तो गाइस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको वो होम स्क्रीन जो पेज है वहाँ पे, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट का, क्योंकि उधर से अपडेट सुबह मतलब अवेलेबल हो गया था। तो मैं भी वेट कर रहा था यार, मुझे अभी तक नहीं मिला। स्टार्टिंग में जब 23rd के बाद मुझे अब मिला, 23rd को मुझे नहीं मिला था जब अप्रैल को, मैं भी वेट कर रहा यार सबको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन बैचेस में धीरे धीरे उन्होंने रोल आउट स्टार्ट कर दिया और अप्रॉक्सीमेटली नाउ 80-90% द अपडेट हैज़ बीन रोल आउट। तो अब कोई दिक्कत नहीं है आपको अपडेट से, मैं खुश हूँ गाइस कि आपको मतलब सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। कैमरा वही इनका वही है, ज़्यादा इसमें चेंज करा नहीं गया, लेकिन मेन जो चीज़ करी कि सेटिंग्स, फर्मवेयर, छोटी छोटी चीज़ें गाइस यहाँ पे चेंज करी गई है। तो उस चीज़ के लिए देख सकते हो, आपको थोड़ा यहाँ पे थीम वीम देखो, पूरा यहाँ पे आपको चेंज कर दिया है। देखो ब्राइटनेस का हो गया और आपको डार्क मोड का भी, गेमिंग मोड का भी ऑप्शन मिल गया। तो वो गाइस रिव्यू में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई क्या चेंजेस हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।